हमीरपुर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में पहुंचकर परीक्षा दी। हमीरपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में कोरोना महामारी के चलते इसके बचाव को पूर्ण एहतियात के साथ करवाया गया। परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क व ग्लव्स पहनने का पालन छात्रों व सेंटर द्वारा किया गया। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल सलासी में परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली और 11 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले नीट परीक्षा की गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करवाया गया। डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और नीट के प्रभारी विश्वास शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला में 6,700 के करीब अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी है और हमीरपुर के अलावा कांगड़ा, ऊना और मंडी जिला के अलावा साथ लगते क्षेत्रों से हमीरपुर में छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं। नीट परीक्षा देने पहुंची कांगड़ा जिला की छात्रा यामिनी और रिया ने बताया कि कोरोना के केस ज्यादा होने के कारण वे खुद अपना ध्यान भी रख रही हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में भी कोरोना बचाव की पूरी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि पेपर की टेंशन के साथ साथ कोरोना की चिंता भी उन्हें सता रही है। तैयारी तो है ही है, बट अपना थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और अपना जो भी है वो करना पड़ेगा, जैसे सैनिटाइजर, ग्लव्स और बाकी हमारे ऊपर ही है, अभी हमें अपना करना पड़ेगा अलग अलग से। थोड़ा सा डर है क्योंकि परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते डर लग रहा है, लेकिन परीक्षा के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि खुद भी छात्रों को कोरोना बीमारी से बचने के लिए काम करना होगा। स्ट्रेस लग रहा है, क्या कहेंगे? थोड़ा तो है ही, अब ऊपर से केस बहुत है यहाँ पे और ऊपर से पेपर की टेंशन, नेशनल लेवल टेस्ट है, तो बस तैयारी तो है। बट कितने ठीक है सर? ठीक है, मतलब केसेस वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे, तो हमें अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी पड़ेगी, ग्लव्स भी हैं, सैनिटाइजर भी है, मतलब तैयारी तो फुल दी है। स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा। पेपर नेशनल लेवल का है, मतलब MBBS के लिए। तो डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल एवं नीट परीक्षा के इंचार्ज विश्वास शर्मा ने बताया कि नीट परीक्षा के लिए पूरे प्रबंध किए गए थे और अगर किसी छात्र का तापमान ज़्यादा आता है तो आइसोलेशन रूम में कुछ देर के लिए रखने की व्यवस्था भी की गई थी। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा में कोविड की गाइडलाइन को पूरी तरह पालना किया जा रहा है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। जैसा कि आपको मैंने पहले भी ये बताया है कि 6,660 एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ हमीरपुर में अपीयर हो रहे हैं और हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, की जा रही है और आइसोलेशन रूम एक रखा है। अगर बाई चांस कोई बच्चा, कोई मान लीजिए अगर थोड़ा लेट हो गया या किसी एंग्जाइटी की वजह से या किसी रीज़न से टेम्परेचर थोड़ा हाई आता है तो उनको 10-15 मिनट रेस्ट करके बिठा के फिर हम एक बार दोबारा चेक करेंगे और उसके बाद उन्हें अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में आने। इम्पॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन आई है कि जो भी कोई, अगर बाई एनी चांस कोई बच्चा कोविड से पॉजिटिव है, वो अपना रिपोर्ट हमें भेज सकता है विद एडमिट कार्ड और उनका एग्ज़ाम जो है वो बाद में लिया जाएगा, उनका एग्ज़ाम आफ्टर 1 month और सो, जब भी नई डेट्स आती हैं उस टाइम लिया जाएगा, नॉट इन दिस एग्ज़ाम। ये अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस।